दफ्तर डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड पंजाब द्वारा नायब तहसीलदारों की विभागीय परीक्षा सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट जालंधर में कड़ी निगरानी में करवाई गई। इस परीक्षा में राज्य के विभिन्न डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों में कार्यरत 258 कानूनगो अधिकारियों सीनियर सहायकों ने भाग लिया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड पंजाब राजेश त्रिपाठी ने बताया कि 19 से 23 जून तक ली गई नायब तहसीलदारों की विभागीय परीक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए थे। उन्होंने कहा कि परीक्षा की पूर्ण निगरानी के लिए वीडियोग्राफी सुनिश्चित करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसके अलावा उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सरकार द्वारा प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने कहा कि एसडीएम दसुहा ओजस्वी अलंकार, ज्वाइंट कमिश्नर जालंधर नवनीत कौर बल, डिप्टी डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड पंजाब कम जिला राजस्व अधिकारी जालंधर मनदीप सिंह मान, तहसीलदार सुल्तानपुर लोधी मुरलीन कौर ने इस परीक्षा में ड्यूटी निभाई। उन्होंने ये भी कहा कि जालंधर के विभिन्न स्कूलों के अध्यापकों और कार्यालय डिप्टी कमिश्नर कपूरथला के कर्मचारियों द्वारा बतौर इनविजिलेटर कर्तव्यों का पालन करने के अलावा कार्यालय डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड पंजाब के कर्मचारियों द्वारा पूरा समर्थन दिया गया। पंजाब से हमारे संवाददाता डॉक्टर राहुल जामवाल की ये रिपोर्ट। खबर सबकी, सीधे आप तक।